आयुर्वेद, आयुर और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आयु का ज्ञान। यह मात्र शब्द ही नहीं है बल्कि आयुर्वेद भारतीय सभ्यता की पहचान है। यह देखने और सुनने में जितना सरल प्रतीत होता है, इसकी गहराई विशालकाय समुद्र से भी कहीं ज्यादा है, जिसमें स्वस्थ जीवन शैली के अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। आयुर्वेद के अवतरण को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन सभी मतों के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण से ही मानी जाती है, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा की देन है, जिसे हजारों साल पहले सिद्ध ऋषि मुनियों और आचार्यों के द्वारा विकसित किया गया। आयुर्वेद का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में शामिल है, जहां विविध चिकित्सा प्रणालियों, औषधियों और स्वस्थ जीवन शैली का व्याख्यान किया गया है। आयुर्वेद में जिन तीन आचार्यों की गणना मुख्य रूप से होती है, उनमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट का नाम आता है, और इन्होंने ही आयुर्वेद को नई पहचान दी। आयुर्वेद का संहिता काल यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी का समय, इस युग को आयुर्वेद की मौलिक रचनाओं का समय माना गया और इस काल को आयुर्वेद का गोल्डन पीरियड भी कहा गया, क्योंकि इस युग में आयुर्वेद के ज्ञाताओं द्वारा आयुर्वेद संहिता की रचना की गई और इसे विकसित किया गया। इसके बाद 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी व्याख्या काल का युग रहा, जहां आयुर्वेद अपने चरम पर लोगों में प्रचलित हुआ। लेकिन 15वीं सदी के बाद विवृति काल में जब ब्रिटिश भारत में आए, तो उन्होंने एलोपैथी का विस्तार करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक, रहस्यमयी और केवल एक धार्मिक विश्वास करार दिया और महान आयुर्वेदिक ग्रंथ, वैद्य और प्रक्रियाओं को दबाने की पुरजोर कोशिश की। आजादी के बाद कई कंपनियों और संस्थाओं ने आयुर्वेद के नाम पर काम करना तो शुरू कर दिया, परंतु पूर्णतया आयुर्वेद को उसकी पहचान वापस दिलाने में सफल नहीं हो सके। लेकिन अपनी इसी पुरातन धरोहर आयुर्वेद को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के लिए दो महान शख्सियतों डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी ने इस पर गहन अध्ययन शुरू किया और प्रण किया कि आयुर्वेद की अलख पूरे देश में जगाएंगे और विश्व स्तर पर इसकी पहचान वापस दिलाएंगे। पिछले 15 वर्षों से IMC अपनी प्रतिज्ञा पर लगातार कार्यरत है। अपने प्राण पर अडिग इस मिशन के जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया जी तथा श्री सत्यन भाटिया जी ने अपने अध्ययन का सार डायरेक्ट सेलिंग के रूप में निकाला और इस अनूठी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने तथा लोगों को स्वस्थ जिंदगी देने के उद्देश्य से सन 2007 में IMC कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न मात्र आयुर्वेदिक उत्पादों का सृजन करना बल्कि इस विज्ञान के विस्तार के जरिए लोगों को समृद्ध जीवन देना तथा भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना भी है।